हेलो फ्रेंड्स, आई एम नॉमिसा चांद। वेलकम वंस अगेन इन टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। कल आपने देखा लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर चल रहा था, जिसका फर्स्ट पार्ट था, तो उसमें आपको लिमिट के बारे में और टॉलरेंस के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो आज फिट के बारे में बताया जाएगा कि फिट कितने प्रकार के होते हैं। अलाउंस के बारे में जो टॉपिक रहेगा कल रहेगा। ठीक है, आप अलाउंस को बस थोड़ा सा समझ लेना है यहाँ पे, क्योंकि जो टर्म आएंगे कई बार हम अलाउंस का शब्द का यूज करेंगे, तो अलाउंस शब्द थोड़ा सा एक दो बार हम इसको डिफाइन कर लेंगे, तो जिससे आप समझ लेंगे। ठीक है, बाकी आज फिट के बारे में पढ़ाया जाएगा, सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। बेसिकली सिस्टम होता क्या है? सिस्टम दो तरह के होते हैं, होल बेसिस सिस्टम और सेट बेसिस सिस्टम। तो सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, स्टैंडर्ड बताया जाएगा, जो फिट की जो प्रणालियाँ होती हैं कितने प्रकार की, चूंकि इंडियन प्रणाली होती है, ब्रिटिश प्रणाली होती है, इंटरनेशनल प्रणाली होती है, तो इसके लिए हम आपको स्टैंडर्ड बताएंगे। ठीक है, मैंने कल कुछ होमवर्क भी दिया था आपको, इसमें आपको फिट बताना था, टाइप्स ऑफ फिट बताना था और सिस्टम बताना था। इसमें आपको फिट और सिस्टम बताना था कि ये बेस क्या है और HFG7 दिया है, S7P6 दिया। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, और आज का जो होमवर्क है आपका इस तरफ राइट हैंड साइड में दिया है, इसमें आपको बेसिकली टॉलरेंस के बारे में बताना है। कमेंट करिए, उसके बारे में लिखिए कितना टॉलरेंस आएगा, ये होल का साइज है ऊपर, नीचे सेफ्ट का साइज है। ठीक है, इसमें आप टॉलरेंस बताइएगा, इसके बाद इसमें आप अलाउंसेस बताइए, पॉजिटिव अलाउंस कितना होगा, और इसके बाद आप इसमें फिट का प्रकार बताइए। ये ऊपर वाला होल साइज है और नीचे वाला सेट साइज है। ठीक है, तो इसमें आपको अलाउंस बताना है, टॉलरेंस बताना है और फिट का टाइप्स बताना है। फिट के टाइप्स अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब बात करते हैं फिट की। फिट होता क्या है? हमने बताया था कल कि कोई पार्ट कहीं बनता है, कोई पार्ट कहीं बनता है, उसमें इंटरचेंजेबिलिटी होती है। इंटरचेंजेबल होने के कारण वो पार्ट आपस में असेंबल हो जाते हैं। जब असेंबल हो जाते हैं पार्ट उनमें, तो हमें तीन प्रकार के फिट प्राप्त होते हैं। तो फिट की डिफिनेशन इसके लिए यही है, जब दो या दो से अधिक पार्ट आपस में असेंबल हो जाते हैं और वो एक बड़े पार्ट या एक मशीन का निर्माण करते हैं, तो वो फिट कहलाती है। ठीक है, फिट बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट देखते हैं क्या होता है। क्लियरेंस फिट में होता क्या है, पहले होल साइज समझ लेते हैं और सेफ्ट साइज समझ लेते हैं। होल साइज हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे और सेफ्ट साइज को हमेशा स्मॉल लेटर से इंडिकेट करेंगे, और किया भी जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आपको होल साइज हमेशा कैपिटल लेटर से और सेफ्ट साइज को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और हमेशा हम होल को कैपिटल एच से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको कैपिटल एच ही दिखेगा, कोई भी वर्ड हो सकता है लेकिन कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, वो आपका होल साइज होगा और सेफ्ट साइज हमेशा स्मॉल लेटर का होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्लियरेंस की बात करते हैं, क्लियरेंस फिट की बात करते हैं। क्लियरेंस फिट वो फिट होती है जहां पे जो आपका होल का साइज है, होल का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और सेफ्ट का साइज हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। भाई क्लियरेंस मतलब समझ में आ रहा है आपको, गैप। तो आप होल आपके पास छोटा है और सेफ्ट होल आपके पास बड़ा है और सेफ्ट छोटी है, तो आपस में वो फिट बना लेगी, आपस में पार्ट फिट हो जाएंगे। ठीक है, वो क्लियरेंस फिट होती है। ट्रांजिशन फिट क्या होती है? ट्रांजिशन फिट में होता क्या है, पार्ट लगभग होल साइज और सेफ्ट साइज लगभग लगभग सेम साइज में बने होते हैं, तो उनको हम फिट करने के लिए एक प्रेशर से, एक हल्के दबाव से फिट करना पड़ता है, वो ट्रांजिशन फिट होती है। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, होल साइज छोटा होता है और सेफ्ट साइज बड़ी होती है। ठीक है, होल छोटा है, सेफ्ट बड़ी है, तो कैसे होगा फिट, उसके लिए हमें इंटरफेरेंस फिट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब क्लियरेंस फिट की बात करते हैं। क्लियरेंस फिट में दो प्रकार की फिटिंग आती है, रनिंग फिट, स्लैट फिट। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, आप इसके लिए इस पे पर जाइएगा जो मैंने लिख रखा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ कि ये कितने प्रकार की फिट होती है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो क्लियरेंस फिट में दो प्रकार की फिट पढ़ने मिले आपकी, रनिंग फिट और स्लैट फिट। क्लियरेंस गैप होना चाहिए, जब गैप होगा तो दो पार्ट आपस में रनिंग कर सकते, मतलब आपस में स्लाइड करते हुए रन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो अलाउंस रहता है वो प्लस में रहता है, क्लियरेंस फिट में अलाउंस प्लस में। कैसे? क्योंकि होल का साइज बड़ा है, सेफ्ट का साइज छोटा है, तो अलाउंस जो रहेगा वो प्लस में रहेगा। ट्रांजिशन फिट में, ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, इसमें पुश फिट आती है। ट्रांजिशन फिट में पुश फिट आती है, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेंगे कि कौन से फिट में कौन कौन से फिट आती है, फिर मैं ये भी बता दूंगा क्वेश्चन आता कहां से है।
ट्रांजिशन फिट में पुश फिट आती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पुश फिट किसके अंतर्गत आती है, तीन ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें बताना पड़ेगा आपको। ट्रांजिशन फिट पुश फिट का एक पार्ट है, एक टाइप है, ठीक है। तो पुश फिट मतलब क्या हुआ, इसमें लगभग लगभग होल साइज और शर्ट साइज सेम साइज के बने रहते हैं, मतलब प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी होते हैं। तो इसमें जो आपका अलाउंस रखा जाएगा वो प्लस माइनस दोनों में होगा, ठीक है। और इसके बाद इंटरफेरेंस फिट की बात करते हैं। तो इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आपको तीन प्रकार की फिट पढ़ने को मिलती है। इसमें पहले नंबर पे ड्राई फिट होती है, दूसरे नंबर पे फोर्स फिट होती है, नंबर थ्री पे आती है आपकी श्रिंकेज फिट, ठीक है। तीन प्रकार की फिट होती है, ड्राई फिट, फोर्स फिट, श्रिंकेज फिट, इंटरफेरेंस फिट में। इसमें क्या मैंने बताया कि होल का जो साइज रहता है वो हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है। अब आप कहेंगे होल छोटा है तो शाफ्ट कैसे इंसर्ट हो जाएगी, तो उसके लिए प्रोसेस है, या तो आप इसमें लिख दे रहा हूँ कि जो इसमें अलाउंसेस रखा जाएगा, इसमें जो अलाउंसेस आता है माइनस आता है। क्यों माइनस आता है, क्योंकि इसमें जो होल साइज रहता है वो छोटा रहता है, शाफ्ट बड़ी रहती है, तो उसमें अलाउंस माइनस में आता है, ठीक है। अब कैसे इंसर्ट होता है छोटे होल में बड़ी शाफ्ट, वो आपको भी देखने को मिलेगा। तो अब क्लियरेंस फिट की फिर से बात करते हैं। क्लियरेंस फिट में मैंने बताया रनिंग फिट, स्लाइडिंग फिट। इसमें पूछता है कि रनिंग फिट आपको कोई भी बेसिकली साइज के किसी भी पार्ट का नाम बोल देगा कि आप ये बताइए कि बूस है और शाफ्ट है, इसमें कौन सी फिटिंग होगी। या बोल देगा सेपर मशीन, कोई मशीन दे दिया, बोला सेपर मशीन में कौन सी फिटिंग रहती है या मिलिंग मशीन में कौन सी फिटिंग रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोलेगा कि बूस में बताइए, बूस और शाफ्ट के बीच, बूस बियरिंग और शाफ्ट के बीच में कौन सी फिटिंग होती है, तो उसके अंतर्गत रनिंग फिट आती है, ठीक है। वो रनिंग फिट किसका टाइप है, अगर रनिंग फिट एग्जांपल दिया है तो रनिंग फिट आप टेस्ट कर देंगे। अगर क्लियरेंस फिट दिया है, क्लियरेंस फिट का ही तो टाइप है ना, रनिंग फिट और स्लाइड फिट। तो बूस बियरिंग और शाफ्ट किसका फिटिंग है, क्लियरेंस फिट या रनिंग फिट, ठीक है। और स्लाइड फिट क्या, सेपर मशीन, आप ये नोट भी कर लीजिए। स्लाइड फिट में सेपर मशीन, प्लेनर मशीन, पावर एक्सर मशीन, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये एक इसका जो क्लीयरेंस फिट का एक टाइप था, ठीक है ना। दो टाइप के थे, तो उसमें जो एक टाइप था वो था स्लाइड फिट, तो स्लाइड फिट के कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट मतलब मैंने बताया ना कि इजिली फिट हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपस में स्लाइड करते रहते हैं, कोई फिटिंग में कुछ ऐसा नहीं कि अलग से प्रेशर लगाना पड़ता हो। इसी प्रकार ट्रांजिशन फिट में थोड़ा सा हल्का सा दबाव लगा के आप अगर प्रेस करेंगे तो पार्ट आपस में फिट हो जाएंगे। इसके अंतर्गत पुश फिट आती है, इसके लिए मैंने बता दिया है। जैसे एक इंजेक्शन देखते हैं आप, इंजेक्शन जैसे आप वो करते हैं तो हल्के से प्रेशर में क्या हो जाता है, वो फिटिंग बना लेता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन फिट का वो एग्जांपल आप बेहतर समझ पाएंगे। इंटरफेरेंस फिट की बात करते हैं, तो इंटरफेरेंस फिट क्या होती है। इंटरफेरेंस फिट में आप देखेंगे तीन एग्जाम्पल बताया मैंने, ड्राई फिट, फोर्स फिट और श्रिंकेज फिट। तो ड्राई फिट क्या होती है, जहाँ पे हैमरिंग के द्वारा, तो मतलब जाब में थोड़ा सा अधिक प्रेशर ट्रांजिशन फिट की अपेक्षा, क्योंकि होल साइज छोटा है, शाफ्ट बड़ी है, फिर भी आपको इंसर्ट करना है, तो इसमें हैमरिंग करनी पड़ेगी आपको जाब में, तो वो ड्राई फिट का एग्जांपल है। पूछेगा कि ड्राई फिट में किस तरह की फिटिंग आती है, हैमर द्वारा, मशीन द्वारा या गर्म करके, तो आप उसका सही एग्जांपल होगा वो हैमरिंग द्वारा, ठीक है। हैमरिंग से लाइट वेट इसमें प्रेस करेंगे तो वो फिट प्राप्त करती है, वो इंटरफेरेंस फिट का टाइप है। और दूसरी होती है ड्राई फिट, पहली होगी ड्राई फिट, दूसरी होती है फोर्स फिट। फोर्स फिट में क्या होता है, इसमें मशीन के द्वारा प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर मशीनें होती हैं जिनके द्वारा जिससे में कुछ बियरिंग होती हैं, और चूंकि बियरिंग की जो इनर रेस होती है, ठीक है, कई बार आउटर रेस को हमें ऐसे इंसर्ट करना पड़ता है। अगर इनर रेस बिल्कुल टाइट फिट कर देंगे तो आउटर रेस घूमती है, जिससे पैर का पार्ट घूमेगा। आउटर रेस फिक्स कर देंगे अगर होल में, तो इनर रेस वो उसमें घूमती है। तो कैसी हमें जरूरत पड़ रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें फोर्स फिट में मशीन द्वारा हम बियरिंग को शाफ्ट में फिट करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा चैम्फर बनाना पड़ता है। चैम्फर तो आप समझते ही होंगे, जो सिलेंड्रिकल जार होता है, या होल की बात करें या शाफ्ट की बात करें, उसको ऊपर से थोड़ा चैम्फर कर देते हैं। मतलब कहने का मेरे ये है, जैसे ये जार है, ठीक है ना, इसको यहाँ से थोड़ा चैम्फर कर देते हैं, ठीक है। चैम्फर करने से क्या होती है, जो फिटिंग है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन ये भी आता है, आया हुआ है क्वेश्चन कि चैम्फर क्यों दिया जाता है जाम में, तो आसानी से फिटिंग प्राप्त करने के लिए चैम्फर दिया जाता है, ठीक है। और इसका एक तीसरा एग्जांपल बचा, फोर्स फिट होगी, ड्राई फिट होगी, तीसरा बचा श्रिंकेज फिट। श्रिंकेज फिट में होता क्या है, होल साइज इतना छोटा होता है, जाम इतना बड़ा होता है कि इसमें होल को गर्म करना पड़ता है। जैसे आप बैलगाड़ी के पहिया देखते हैं, या जो ट्रेनों में पहिए चढ़ाए जाते हैं शाफ्ट के, तो वो उनको क्या करना पड़ता है, फिर होल को हम गर्म करते हैं, ठीक है। जो होल की वो
आप रड कहिए या पहिया कहिए, होल की जो रिंग होती है बैलगाड़ी में आपने देखा ही होगा कि होल के रिंग को पहले हम गर्म करते हैं, ठीक है, निश्चित टेम्परेचर तक गर्म होता है। तो आप जैसे देखते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक होता है, तो जैसे गर्म करते हैं तो आयरन क्या होता है, फैलता है, उसमें प्रसार होता है, उसके कारण वो तो फैलेगा तो शेप बड़ा हो जाएगा उसका। अब हम क्या करेंगे, इसको लकड़ी का जो पहिया होता है बैलगाड़ी का उसमें हम चढ़ा देंगे, जिसकी वजह से वो जब ठंडा होगा तो श्रिंक होगा, इसी वजह से श्रिंकेज फिट बोलते हैं। तो फिटिंग एक वो प्रकार की फिटिंग बना लेगा, फिर वो अलग नहीं होगा उससे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इंटरफेरेंस फिट का टाइप था, ठीक है, आपको समझ में आया कैसे फिट होती है। अब एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लीजिए। अब जो उसमें सिस्टम, आप पहले सिस्टम समझ लीजिए, दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, होल बेसिस सिस्टम और सर्किट बेसिस सिस्टम। होल बेसिक सिस्टम में होता क्या है, इसमें होल को कांस्टेंट रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, और वेरिएशन मतलब चेंजमेंट किसमें किए जाएंगे, सर्किट में। होल बेसिस सिस्टम होल कांस्टेंट रहेगा, सर्किट बेसिस सिस्टम में सर्किट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेरिएशन दूसरे में होंगे, दूसरे मतलब है होल बेसिस सिस्टम में सर्किट में वेरिएशन होंगे और सर्किट बेसिस सिस्टम में होल पे वेरिएशन होंगे, ठीक है। ये सिस्टम की बात होती है। अब हम इसमें जो तीन प्रकार के फिट बताए, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, इसमें जब ड्राइव में होता क्या है, हमें ये फिटिंग के प्रकार बनाने के लिए हमें अल्फाबेट के कुछ वर्ड ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर देते हैं कि कौन सा फिटिंग किस वर्ड का फिटिंग किस अकॉर्डिंग किस में जाएगा, ठीक है। तो हमने ए से एच तक की जो फिटिंग रहेगी वो क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आएगी। इसके बाद जे से एन तक, इसमें कुछ अल्फाबेट छूट भी सकते हैं, इसमें जैसे एस के बाद आई छूट गया है, ठीक है, जे आया, जे के बाद एन तक, जे के बाद भी कुछ वर्ड छूट सकते हैं इसमें, ठीक है, एल नहीं रहता जैसे, तो वो आपको याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा, मैंने ऑलरेडी कल पूछा हुआ था, तो इसके बारे में पूछेगा इसमें कौन सी फिटिंग है और कौन सा इसमें जो 8 है, 7 है, 7 है, 6 है, ये है क्या, ठीक है। तो इसकी इस पे आते हैं हम, इसके लिए सब ये पढ़ना पड़ रहा है हमको, ठीक है। तो ए से एच तक अगर है तो वो क्लियरेंस फिट का टाइप है। ये कैपिटल लेटर भी हो सकता है, स्मॉल लेटर भी हो सकता है। अगर हम होल की बात करेंगे, होल की फिटिंग होल सिस्टम में बात करेंगे तो कैपिटल लेटर में आ जाएगा, और सेपरेट एसी सिस्टम की बात करेंगे ये स्मॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है। ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि होल की जहां भी होल आएगा वहां पे कैपिटल लेटर, और जहां भी सेपरेट आएगी वहां स्मॉल लेटर। ट्रांजिशन फिट में जे से एन तक, और इंटरफेरेंस फिट में पी से जेड सी। पी से जेड सी का मतलब हुआ जेड ए, जेड बी, जेड सी, ठीक है, तीन इसमें अल्फाबेट बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो मैंने कल क्वेश्चन दिया हुआ था आप लोगों को, कि इसमें बताना था आपको कौन सी फिटिंग है और कौन सा सिस्टम है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें बीएस क्या है, बेसिक साइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको समझना है। बीस क्या है, बेसिक साइज है, बीस बेसिक साइज है, H8G7 और H7P6। क्वेश्चन आता ही है ये, मान लीजिए इसको पूछा ही जाता है हर एग्जाम में, क्वेश्चन आता ही है, इसमें आपको फिटिंग का टाइप्स पूछा जाता है और सिस्टम पूछा जाता है। तो H8G7 की बात करते हैं, हमेशा हम होल को आगे लिखते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, होल को आगे लिखते हैं और सेफ्ट को पीछे लिखते हैं, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, H8G7, ये तो बेसिक साइज हो गया, इसको छोड़ देंगे, इससे मतलब नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से H8G7, ठीक है, दिख रहा है आपको H8G7। इसमें आपको फिटिंग का प्रकार बताना है और सिस्टम बताना है, कौन सा सिस्टम है, होल बेसिक सिस्टम है कि सर्किट बेसिक सिस्टम है। तो होल को हमने बताया कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो कैपिटल एच है मतलब ये होल बेसिक सिस्टम हो गया, अगर यहाँ स्मॉल अल्फाबेट होता तो ये सेफ्ट बेसिक सिस्टम हो जाती, क्योंकि हम ये आगे वाला होल होता है जो बाद में जो लिखते हैं वैल्यू वो सेफ्ट होती है। ये किसके अंतर्गत आया, होल बेसिक सिस्टम, ये होल बेसिक सिस्टम हो गया। और ये G7 जो है ये होल बेसिक सिस्टम हमने इसे पता किया, ठीक है। एट से क्या पता होगा, ये टॉलरेंस ग्रेड है, टॉलरेंस ग्रेड अभी आपको पढ़ाएंगे, जब हम आपको स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे तो टॉलरेंस ग्रेड के बारे में बात करेंगे। टॉलरेंस ग्रेड IT01, IT0, IT1 से IT16 तक, IT1 ये टॉलरेंस ग्रेड है, एक वर्ड दे दिया गया उसको कि आपके इस टॉलरेंस में जैसे टॉलरेंस जोन होता है उससे भी उस छूट में बनानी है। तो एट है, एट क्या है, क्वेश्चन आता है कि एच क्या है, एच होल को डिनोट करता है, एट क्या है, एट ये आपके टॉलरेंस का ग्रेड डिनोट करता है, टॉलरेंस ग्रेड आईटी नंबर है, ठीक है, आईटी ए एट का डिनोट कर रहा है। इसका वैल्यू कितनी होती है इसके लिए आपको ड्राइंग में जाना पड़ता है, ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट में नहीं आता, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उस पर तो डिस्कस नहीं करते हैं। G7
जी सेवन क्या है, सेफ्ट को साइज है, जी सेफ्ट को इंडिकेट कर रहा है, और सेवन क्या है ये फिर किसका शाफ्ट का टॉलरेंस ग्रेड है, ये होल का टॉलरेंस ग्रेड था, ये शाफ्ट का टॉलरेंस ग्रेड है, इतना क्लियर हुआ। अब हमने बताया कि होल बेसिस सिस्टम है, कैसे हमने इसको मैच किया, एच से देख के, एच क्या था कैपिटल लेटर में था, जब एच कैपिटल लेटर में था तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, होल बेसिस सिस्टम हो गया, ठीक है, एच से हमने पता किया होल बेसिस सिस्टम हो गया। अब इसने फिट का प्रकार प्राप्त करना है, तो होल बेसिस सिस्टम में मैंने क्या बताया था, होल कांस्टेंट रहता है, वेरिएशन किस में आते हैं, सेट में वेरिएशन आते हैं, सेट क्या है जी, इसमें वेरिएशन आएगा जी में, तो हम जी को अब देखेंगे जाके कि कौन सी फिटिंग में हमने पढ़ाया था, जी को देखिए आप कहां पे है, ए से एच के बीच में जी आएगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो जी किसके बीच में आएगा, क्लियरेंस फिट, तो ये कौन सी फिटिंग हो गई, होल बेसिस सिस्टम का क्लियरेंस फिट हो गया, डाउट है अभी फिर से एक बार, ठीक है, होल बेसिस सिस्टम हो गया कैपिटल एस के कारण, जी के कारण क्या हो गया, क्लियरेंस फिट, देखिए यहां पे ए से एच तक ये वैल्यू आपको इसलिए याद करने के लिए बोला गया है, ए से एच याद रखिए क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट में याद रखिए जे से एन, और इंटरफेरेंस फिट में याद रखिए पी से जेड सी, ठीक है, तो हम चूंकि जी के वैल्यू जब पता करेंगे तो हम देखेंगे ए से एच के बीच में हमने याद किया था क्लियरेंस फिट के अंतर्गत, तो ये होल बेसिस सिस्टम का क्लियरेंस फिट हो गया, ओके दैट्स फाइनल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, H7P6, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H7P6, H7P6 में बताइए कौन सा सिस्टम है, जो होल है वो कैपिटल लेटर में, H7P6 दोनों सॉरी होल कैपिटल होल स्मॉल लेटर में, तो ये दोनों स्मॉल लेटर में, एच बी स्मॉल लेटर में, पी बी स्मॉल लेटर में, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, सेफ्ट बेसिस सिस्टम हो गया, ठीक है, आपको आंख बीच की आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे इस पे तो आप आंख बीच के बताएंगे वैल्यू, ठीक है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना इसी चीज के लिए कि एक बार आपको अगर चीज समझ में आ जाएगी, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ऐसा चैप्टर नहीं कि आप समझते हैं कि लिमिट फिट टॉलरेंस मतलब एक समझने की जरूरत है, अगर एक बार आपके पास दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो H7P6 तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, मैंने बताया था कैपिटल लेटर आए तो फिर वो होल बेसिस सिस्टम है, स्मॉल लेटर आए शॉर्ट बेसिस सिस्टम है, आप आंख बीच के बोल दीजिए, अब इसमें आपको स्मॉल लेटर दिख रहा है आपका शॉर्ट बेसिस सिस्टम हो गया, ठीक है, मैंने ये बताया था ये शॉर्ट का टॉलरेंस ये होल का टॉलरेंस होगा, पहली वाली वैल्यू होल होती है, दूसरी वाली वैल्यू सेट होती है, ओके, तो ये होल है लेकिन सिस्टम कौन सा है, शॉर्ट बेसिस सिस्टम है, होल को इंडिकेट कर रहा है वो सेट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये होल का टॉलरेंस ग्रेड हो गया, ये शॉर्ट का टॉलरेंस ग्रेड हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने बताया सेफ्ट बेसिस सिस्टम है क्यों, चूंकि स्मॉल लेटर में, ओके, अब बात करते हैं फिट कौन सा है, तो ये होल मैंने बोला था पहले होल को लिखते हैं, ये बातें आप सब नोट कर लीजिए या फिगर बना के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके द्वारा आप मेरी बात का कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे भी याद रहे। ये एच है, ये क्या है, होल बेसिस सॉफ्ट बेसिस सिस्टम है, सॉफ्ट बेसिस में क्या स्थिर रहेगा, सॉफ्ट स्थिर रहेगी मतलब सॉफ्ट कांस्टेंट रहेगी, वेरिएशन किस में होंगे, होल में, होल क्या था एच, यही तो होल था, होल को पहले लिखते हैं ना, ये सेट की ये होल था, तो होल में वेरिएशन होंगे क्योंकि सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में सॉफ्ट कांस्टेंट रहती है, ठीक है, तो होल में जब वेरिएशन होंगे तो हम एच की वैल्यू देखेंगे, एच की वैल्यू हम कहां देख रहे हैं, ये भी एच, ये भी किस में आएगा, क्लियरेंस फिट में आएगा, ये क्लियरेंस फिट में देख रहे हैं ना एच, तो ये क्लियरेंस फिट का एग्जांपल है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, सॉफ्ट बेसिस सिस्टम का क्लियरेंस फिट हो गया, ओके, और कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, बस सीधे आपको सिंपल यही फंडा है, स्मॉल लेटर में है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम, सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में सॉफ्ट कांस्टेंट रहती है, तो सॉफ्ट बार वाली होती है, पहले वाला होल होता है, तो ये स्थिर हो गया, वेरिएशन इसमें होगा, तो इसको हम देखेंगे किस फिटिंग के अंतर्गत आता है, यहाँ पे मान लीजिए जे होता, एन होता, एम होता, कोई भी वैल्यू हो सकती थी एच की जगह, तो वो फिर इसमें आ जाती क्योंकि वेरिएशन इसी में हो रहा था ना, तो इसमें आ जाती, ट्रांजिशन फिट में आ जाती, जैसे यन के बीच में अगर कोई वैल्यू होती है अच्छी जगह तो वो फिटिंग ट्रांजिशन फिट हो जाती, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये आपका, जो मैंने कल होमवर्क दिया था ये आप मैंने सॉल्यूशन बता दिया उसका, ठीक है, कैसे आप कौन सा सिस्टम है ये ज्ञात करेंगे और कौन सा फिट का टाइप्स है ये आप फाइंड आउट करेंगे, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब होल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में जो ड्राइंग में दिया रहता है एक क्वेश्चन और आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात हो रही है, ये अगर लेक्चर मिस कर दिया आपको लिमिट फिट, अगर लिमिट और टॉलरेंस के बारे में पढ़ना था तो आप पीछे वाले चैप्टर में जाके समझ सकते हैं, जो पीछे लेक्चर था लेक्चर वन, तो लेक्चर टू आया जिसमें होल बेसिस सिस्टम और शॉर्ट बेसिस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, क्वेश्चन इसी से आते हैं बेसिकली, एक क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करेगा, एक फिगर दे देगा,
एक ड्राइंग दे देगा, उसमें आपको पूछेगा कौन सी ये ड्राइंग सही है, ठीक है, आपको कुछ भी सेट बना के दे देगा। इसमें दो बने हुए हैं, एक ये एक ये, ठीक है, इन दोनों पे अपन डिस्कस करेंगे। बेसिक साइज ने कल बताया था वो साइज होता है जिसपे सारी हमें माप दी रहती है, जिसपे हमें छूट दी जाती है, वो आपकी बेसिक साइज होती है। ये हमने बेसिक साइज बना दिया, बेसिक साइज से हमने लाइन खींच दी। इसके बाद अब इसमें होल को भी डिनोट करना है और साइड को डिनोट करना है। जब होल को डिनोट करेंगे, होल को हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है बेसिक लाइन के ऊपर, बेसिक लाइन के ऊपर आप देख रहे हैं ये होल लिखा हुआ है, ये होल को इंडिकेट कर रहा है। आप बोलेंगे सर आपने ऊपर ही क्यों बनाया, होल को बेसिक साइज से नीचे भी बन सकता था। ये बात याद रखना है आपको, जो आप बात कर रहे हैं होल बेसिक सिस्टम की, किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम होल बेसिक सिस्टम के बारे में आपको बता रहे हैं। ये होल बेसिक सिस्टम के बारे में आप इतना पढ़ेंगे, होल बेसिक सिस्टम में आप बोलेंगे होल को ऊपर बनाता है, क्योंकि होल बेसिक सिस्टम में होता क्या है, होल को हम कांस्टेंट रखते हैं, चेंजमेंट किस में होता है, सेट में, ओके, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब होल कांस्टेंट रहेगा तो होल को हम क्या करेंगे, होल की जो हाई लिमिट रहती है वो जीरो रहती है, सॉरी होल की लो लिमिट जीरो रहती है, होल की लो लिमिट जीरो रहती है। प्रयास क्या करते हैं, होल को बड़ा से बड़ा बनाएं, क्योंकि हम शॉर्ट में वेरिएशन दे रहे हैं। होल हमने क्या किया, होल एक बार हमने बड़ा से बड़ा बना लिया, ठीक है, उसको हमने फिर क्या किया, वेरिएशन हमें शॉर्ट में देना है, तो होल आपके पास बड़ा से बड़ा है, तो होल की लो लिमिट हम क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं। मतलब होल बेसिक सिस्टम में होल की लो लिमिट शून्य होती है, क्वेश्चन बनता है याद रखिए। तो होल की लो लिमिट शून्य हो गई, तो होल की लो लिमिट शून्य होने का मतलब है बेसिक साइज के नीचे इसका साइज नहीं आएगा, बेसिक साइज के नीचे होल का साइज नहीं आएगा, ठीक है, ये जो बेसिक साइज था इसके नीचे होल का साइज नहीं बनेगा, ये गलत है, बेसिक साइज के ऊपर बनेगा, बेसिक साइज के ऊपर हम होल को इंडिकेट करेंगे। तो पूछेगा होल बेसिक सिस्टम में कौन सी सही है माप, तो जो भी साइज होल को ऊपर डिनोट कर रही है पहले वो सही है, ठीक है। अब कौन सा फिट है, तो हमने तीन प्रकार के होल बना दिए, तीन प्रकार के होल बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि तीन प्रकार के फिट होते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, आपने देखा पहले। तो क्लियरेंस फिट के क्लियरेंस फिट में होगा क्या, होल हमने बेसिक साइज से ऊपर बना दिया, ठीक है, अब क्लियरेंस फिट में होगा क्या, शॉफ्ट क्या रहेगी, छोटी रहेगी, क्लियरेंस फिट है, गैप है, गैप कब होगा, जब होल बड़ा रहेगा शॉफ्ट छोटी होगी तभी तो गैप आएगा ना। तो हम शॉफ्ट को नीचे बनाएंगे, यहाँ पे शॉफ्ट को नीचे बनाएंगे। अब बेसिक साइज में भी हमने बनाया, आप पूछेंगे बेसिक साइज में अगर बना देंगे, होल भी बेसिक साइज में है, ठीक है, होल भी बेसिक साइज में है, आप ये भी बना सकते हैं, ये होल था आपका, आप शॉफ्ट ये भी बना सकते हैं, बेसिक लाइन से टच कराते हुए तो बना सकते हैं शॉफ्ट को, तो इस वजह से नहीं बनाएंगे। अगर बेसिक इसका टच कराते मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ये हम टॉलरेंस है, ये कोई शॉफ्ट होगा इसका जो साइज होगा बेसिक साइज मतलब 25 mm है, 25 mm है, इसमें कुछ छूट दी गई होगी प्लस में, कुछ छूट दी गई होगी माइनस में, तो हम जॉब किस में बनाते हैं, लिमिट में ही तो बनाते हैं जॉब, हमने जॉब को क्या किया इस टॉलरेंस में बनाया, कि बेसिक साइज में भी बना सकते हैं और हम उससे छोटा भी बना सकते हैं, जब प्लस माइनस दोनों की छूट दी रहती है तो हम उससे जॉब को छोटा बना सकते हैं और बेसिक साइज में बना सकते हैं, ठीक है, और ऊपर ही बना सकते हैं जब दोनों में छूट दी रहती है। तो अब ये शॉफ्ट को नीचे क्यों बनाए, क्योंकि क्लियरेंस फिट की बात कर रहे हैं, पहला एग्जाम्पल किसका है, क्लियरेंस फिट का है, क्लियरेंस फिट की जब बात कर रहे हैं तो क्लियरेंस फिट में अगर शॉफ्ट को हम बेसिक साइज में बना दिए, होल भी बेसिक साइज में बनाए, तो फिर वो फिट कैसे होगा, फिर वो तो ट्रांजिशन फिट हो जाएगी ना भाई, दोनों सेम साइज में बने हैं तो फिर तो ट्रांजिशन फिट हो जाएगी, क्लियरेंस फिट रही नहीं, तो क्लियरेंस फिट को वजह से शॉफ्ट को हम क्या करना पड़ता है, बेसिक साइज से दूर थोड़ा सा यहाँ बनाना पड़ता है, इसके दोनों बीच में आप गैप देख रहे हैं, बेसिक लाइन के नीचे ही शॉफ्ट बनती है, थोड़ा सा गैप रहता है, ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे ट्रांजिशन फिट की बात करते हैं, तो ट्रांजिशन फिट में बताया मैंने, होल का जो साइज है, जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं ये होल का साइज है, होल का साइज हमेशा बेसिक साइज पे ही रहेगा, ठीक है, वो भी लो लिमिट में नहीं रहेगा, क्योंकि लो लिमिट शून्य होती है बेसिक साइज की, तो ऊपर ही रहेगा, बेसिक लाइन से टच करते हुए हमने होल को इंडिकेट कर दिया। अब सेट की अब बात की बात आती है सेट की, तो जिसमें से क्लियरेंस फिट हो गया, अब ट्रांजिशन फिट की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन फिट में होता क्या है, आपका ट्रांजिशन फिट में मैंने बताया कि इसमें जो अलाउंसेस रहते हैं वो प्लस माइनस दोनों में रहते हैं, देखो यहाँ पे ट्रांजिशन फिट में अलाउंसेस प्लस माइनस दोनों में रहते हैं, तो प्लस माइनस दोनों में रहते हैं मतलब क्या हुआ, इसका जॉब को हम छोटा भी बना सकते हैं, जॉब को बेसिक साइज में भी बना सकते हैं और जॉब को होल से बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि वो इंसर्ट ही नहीं हो रहा है, शॉफ्ट आपने इतनी भी बड़ी बना दी कि इंसर्ट ही नहीं हो रहा है, फिर वो कौन सी फिट हो जाएगी, इंटरफेरेंस फिट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं, हम पढ़ के इसके बारे में ट्रांजिशन फिट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, ट्रांजिशन फिट की वजह से
हमने यहाँ पे कम भी बनाया है लेकिन बेसिक साइज में भी रहे हैं। यहाँ हमने बेसिक साइज लिया जो टॉलरेंस जोन है होल का जो टॉलरेंस जोन है जो छूट दिखे उसी में है अभी हम, या तो उससे थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं लेकिन हम इसको नहीं छोड़ सकते। किसको? होल को नहीं छोड़ सकते हैं, होल को हमें देखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों में छूट आती है, तो इस वजह से हम ये तीनों फिगर इसमें बना सकते हैं। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्रांजिशन फिट का हो गया। समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है? बाकी देखेंगे आप समझेंगे गौर से, थोड़ा सा टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर अगर पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल ऐसा श्योर है कि आपको समझ में आएगा, एक ही लेक्चर मेरा इनफ होता है, ठीक है? इसमें क्या है, ये होल का साइज है, ठीक है? ब्लैक कलर वाला जो ब्लू कलर वाला देख रहे हैं वो शाफ्ट का साइज है। तो अब इसकी हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस फिट की बात कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस फिट में होता क्या है, इंटरफेयर होना मतलब शाफ्ट बड़ी होगी होल छोटा होगा। अब इंटरफेरेंस फिट में होल छोटा होगा शाफ्ट बड़ी होगी, होल छोटा है नीचे बना हुआ है शाफ्ट बड़ी है होल के ऊपर बनी हुई है तो ये शाफ्ट है। चूंकि ऊपर जो एलम्स रहते हैं ये सारे प्लस में रहते हैं नीचे वाले माइनस में रहते हैं, छोटा होगा तो नीचे आएगा साइज और बड़ा होगा साइज तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर है साइज मतलब होल से बड़ा है शाफ्ट, होल से बड़ी है शाफ्ट मतलब इंटरफेयर करेगी जाएगी नहीं, और जाएगी तो तरीके है उसके हैमरिंग करना पड़ेगा या मशीन द्वारा उसको फिट करना पड़ेगा या जाकर गर्म करना पड़ेगा, तीन तरीके बता आपको, ठीक है? होल बेसिस सिस्टम समझ में आया। अब बात करते हैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम की। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, हमने एक बेसिक लाइन बना दी, बेसिक साइज खींच दिया, चूंकि हमें समझना पड़ेगा ना कि होता कैसे है। तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम की हमेशा हाई लिमिट शून्य होती है, आप नोट कर लीजिए। शाफ्ट बेसिस सिस्टम की हाई लिमिट शून्य होती है, होल बेसिस सिस्टम की लो लिमिट शून्य होती है। तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम की हाई लिमिट शून्य होगी तो मतलब अब ये हाई लिमिट मतलब प्लस में नहीं जाएगा, प्लस में शाफ्ट नहीं बनेगी। तो शाफ्ट बनेगी कहाँ, बेसिक लाइन के नीचे बनेगी, ठीक है? बेसिक लाइन है, बेसिक लाइन के हमने नीचे शाफ्ट बना दिया, बेसिक लाइन से टच भी करती रहेगी, ठीक है? जैसे होल टच कर रहा था उसका मैंने रीजन बताया था, तो मैं इसी तरह का शाफ्ट का भी रीजन है, ठीक है? बार बार डिस्कस करके वीडियो लेंथ करने कोई मतलब नहीं है। अब होल साइड आप देखिए कि चूंकि हम बात करेंगे क्लियरेंस फिट की, फिर करेंगे ट्रांजिशन फिट की, फिर करेंगे इंटरफेरेंस फिट की बात, तो क्लियरेंस फिट पे आते हैं। क्लियरेंस फिट में आप बताइए शाफ्ट है आपके पास, होल है, तो होल को बड़ा रहेगा, सॉरी होल किस शेप पे बनेगा और शाफ्ट किस शेप पे बनेगी, होल बड़ा बनाना पड़ेगा ना, तभी तो क्लियरेंस फिट होगी, आराम से इजीली इंसर्ट हो जाएगा। होल बड़ा बनाने के लिए प्लस में बनेगा, प्लस में बनने मतलब बेसिक लाइन से ऊपर बनेगा, ऊपर बनने का मतलब बेसिक लाइन टच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, टच करेगा तो ट्रांजिशन फिट हो जाएगी, बहुत सिंपल है। अगर एक बार आप कंसंट्रेट होकर समझेंगे तो बहुत ही सिंपल है। तो बिना टच किए हुए ऊपर बनेगा, ठीक है? राइट, समझ में आ गया। ट्रांजिशन फिट में देखेंगे, ट्रांजिशन फिट में जैसे हमने होल में देख रहे थे ऐसे हमने शाफ्ट को नीचे बना दिया, ब्लैक कलर वाली ये शाफ्ट है, शाफ्ट को नीचे बना दिया बेसिक लाइन के। अब हम जो बनाएंगे होल को, ब्लू कलर वाला होल है, होल को क्या करेंगे, बेसिक साइज से ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इसके टॉलरेंस जोन में भी हो सकता है शाफ्ट की, और थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन टॉलरेंस जोन नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पुश फिट आती है, पुश फिट में प्लस माइनस दोनों में, ट्रांजिशन फिट में प्लस माइनस दोनों में रहते हैं जब, तो प्लस में भी है ऊपर, माइनस में भी है नीचे, ठीक है? प्लस माइनस दोनों में मतलब ट्रांजिशन फिट का करेक्ट एग्जाम्पल है। इंटरफेरेंस फिट आप बताइए, इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा, होल छोटा रहेगा कि शाफ्ट छोटी रहेगी, होल छोटा रहेगा ना, होल छोटा रहेगा मतलब कहाँ बनेगा, माइनस में बनेगा, माइनस में बनेगा मतलब नीचे बनेगा, तो बेसिक के नीचे हमने होल को बना दिया, शाफ्ट भी नीचे बना है, शाफ्ट से नीचे हमने होल को बनाना पड़ेगा, शाफ्ट से भी छोटा साइज बनाना पड़ेगा होल का, ठीक है? इसीलिए तो इंटरफेरेंस फिट आएगी ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके बारे में, और इसके बारे में क्वेश्चन आता ही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो लेक्चर को दो तीन चार बार रिपीट करके देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये हो गए दो टॉपिक के बारे में, हो गया क्वेश्चन यही से आ रहा था, और ये भी आपको याद रखना है ए सी एस क्लियरेंस, ट्रांजिशन जे सी एन, इंटरफेरेंस पी से जेड सी, ठीक है? अब बात करते हैं सिस्टम के बारे में, तो हो गया होल बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम, ठीक है? होल में होल कांस्टेंट रहेगा, शाफ्ट में शाफ्ट कांस्टेंट रहेगी। अब हम स्टैंडर्ड के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड चूंकि होता क्या है, तो हमें फिटिंग दी गई है, हमें जो फिट करना है, तो कोई पार्ट ब्रिटिश सिस्टम में बन रहा है, कोई पार्ट मेट्रिक सिस्टम में बन रहा है, कोई इंटरनेशनल सिस्टम है, कोई नेवल सिस्टम है, तो बेसिकली हमारे पास चार प्रकार के सिस्टम पूछे जाते हैं एग्जाम में, नेवल सिस्टम ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल सिस्टम। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इनको आप याद ही करना है आपको, इसका और कोई नहीं, कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है उसमें, इसको याद कर लीजिए आप,
निवेल सिस्टम में 6 प्रकार के फिट प्राप्त होते हैं। निवेल सिस्टम में जो हम इसमें दिया ही गया है, ऐसा सिस्टम है जिसमें 6 प्रकार के हम फिट प्राप्त कर सकते हैं। आपको याद ही करना है, इसको समझने का नहीं। हाँ, समझने का क्या है, यहाँ पे BSI और BIS, BSI और BIS कैसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि BSI के अंतर्गत बताइए आप कितने प्रकार के फिट होते हैं या कितने प्रकार के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। आपको टॉलरेंस ग्रेड बताया ना यहाँ पे मैंने, वो पूछेगा कि BSI की बताइए कितने प्रकार टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। तो BSI मतलब भी तो पता होना चाहिए आपको। BSI मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट। BSI और BIS मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आपसे पूछ लिया BSI का टॉलरेंस बताइए, आप BSI BIS में अंतर नहीं समझ रहे हैं तो आप पूछ रहा है ब्रिटिश का बता रहे हैं इंडियन का, गलत हो जाएगा, एक नंबर चला जाएगा। कंपटीशन के लिए एक नंबर काफी होता है। तो BSI सिस्टम में आप देखेंगे टॉलरेंस ग्रेड पूछता क्या क्वेश्चन, इसमें ये आता है कि BSI सिस्टम में टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं। तो 16 प्रकार के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं, ठीक है। होल कितने होते हैं, 21 प्रकार के होल होते हैं, ठीक है। होल के टाइप्स हैं, या इनको फिट का प्रकार बोल दीजिए या इनको विचलन बोल दीजिए। कितने प्रकार के विचलन होते हैं, 21 प्रकार के होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन आता है कितने प्रकार के विचलन होते हैं, तो आप 21 होते हैं। कितने प्रकार के फिट होते हैं, 21 होते हैं। कितने प्रकार के होल होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। चूंकि ये मोस्टली होता क्या है, जो वर्क होता है इंडस्ट्री में होल बेसिस सिस्टम पे ही होता है। होल बेसिस सिस्टम को मास्टर बनाते हैं और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम को, चूंकि होल बेसिस सिस्टम में होता क्या है, होल को एक बार बना दिया और उसको छोटा बड़ा करना थोड़ा सा टफ माना जाता है। चूंकि सॉफ्ट को तो हम लेथ मशीन में को किया है, तुरंत टर्निंग कर दीजिए छोटी हो जाएगी, लेकिन होल को चेंज करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। इसलिए हम होल बेसिस सिस्टम ज्यादा अपनाया जाता है। तो ये 16 क्या हो गया टॉलरेंस का ग्रेड हो गया, 21 क्या हो गया फिट का प्रकार हो गया, इसमें 18 टॉलरेंस ग्रेड हो गया। तो अब याद कर लीजिए 16, 21, 18, 25, 18, 28, ये क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 प्रकार के स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं फिटिंग करने के लिए, 4 प्रकार के स्टैंडर्ड, नेवल सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आप 6 प्रकार के फिट पढ़ेंगे, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड में आप 16 प्रकार के टॉलरेंस पढ़ेंगे, इसमें 18 प्रकार की, इसमें भी 18 प्रकार की। अभी हम बता दे रहे हैं कौन कौन से टॉलरेंस होती है, ठीक है। आपको याद करना है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ कि 16, 21, 18, 25, 18, 28 आप जैसे मोबाइल नंबर डिजिट कैद करते हैं, ऐसे 12 डिजिट का नंबर याद कर लीजिए, 16, 21, 18, 25, 18, 28। लेकिन ये सिक्वेंस नहीं आपको ऊपर नीचे करने का कोई मतलब नहीं है, याद करने का। पहले ब्रिटिश आएगा, फिर इंडियन आएगा, फिर इंटरनेशनल आएगा, ठीक है। ये पूछ सकता है टॉलरेंस ग्रेड, तो ये टॉलरेंस ग्रेड है। ये सब क्या है टॉलरेंस ग्रेड है, ये क्या है फिट का प्रकार है या विचलन है या होल साइज है, ठीक है। 21, 25, 28 ये सिक्वेंस याद कर लीजिए आप। अब टॉलरेंस ग्रेड होते क्या है, टॉलरेंस ग्रेड ये जो फिट के प्रकार है आपको 21, 25, 28। तो 21 जो है ये जो 25 है 28 है, ये जो मैंने बताया ना A से H, J से N, B से Z, C, इससे में आते हैं, कुछ वर्ड हट जाते हैं, कुछ वर्ड कम हो जाते हैं, ठीक है। ये फिट के प्रकार तो था ना A से H, J से N, B से Z, C, इससे में कुछ वर्ड घट जाएंगे, कुछ वर्ड बढ़ जाएंगे, इस वजह से 21 हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं। ये फिट का प्रकार नहीं तो था, या होल का साइज कह दें या फिट का प्रकार कह दें, विचलन कह दें, प्रकार के विचलन होते हैं। अब टॉलरेंस ग्रेड क्या होता है, 16, 18, 18 जो दिए टॉलरेंस ग्रेड होता क्या है। टॉलरेंस ग्रेड को हम IT से डिनोट करते हैं, IT से। तो टॉलरेंस ग्रेड के जब हम बारे में बात करेंगे तो IT 0, फिर IT 1 से लेके IT 16। देखिए IT 01, IT 0, IT 1 से लेके IT 16 कितने हो गए, IT 1 से IT 16 कितने हो गए, 16 डिजिट हो गए। और ये IT 01 है, IT 02, ठीक है। मतलब ये 2 हो गए और वो 16, मतलब कितने हो गए टोटल 18। मतलब टॉलरेंस ग्रेड कितने हो गए, 18 हो गए। किसके लिए 18, किसके लिए है, इंडिया के लिए भी है और इंटरनेशनल के लिए भी है। 16 ये ब्रिटिश सिस्टम है, तो ब्रिटिश सिस्टम में IT 01 और IT 0 नहीं रहते हैं, कितने बचे IT 1 से IT 16, मतलब 16, इसलिए टॉलरेंस ग्रेड 16 गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन सून। ओके, थैंक यू, बाय।